हेलो एवरीवन, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रगति राय, होम साइंस सब्जेक्ट के साथ बीए फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पार्ट चल रहा है, यानी होम साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आपको सिलेबस में बताया गया था, जिसमें आपका न्यूट्रिशन का पार्ट चल रहा है। इसके पहले भी आपने न्यूट्रिशन ही पढ़ा था, जिसमें आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारे न्यूट्रिएंट आपने पढ़ा हुआ था। अब है मिनरल्स, यानी खनिज लवण। खनिज लवण बेसिकली खनिज लवण हमारे शरीर में बहुत ही अल्प मात्रा में खनिज लवण की आवश्यकता होती है। पूरे शरीर का अगर देखा जाए, पूरे शरीर में हमारे 96% भाग, पूरे शरीर भार का 96% भाग पानी, कार्बोज, वसा और प्रोटीन से बना रहता है। यानी एक कोई भी एक साधारण स्वस्थ व्यक्ति है, उसके पूरे शरीर भार का, यानी अगर सपोज कि वो 70 kg है, तो 70 kg बॉडी वेट पे 96% उसके शरीर में पानी, कार्बोज, वसा, जल और प्रोटीन, यानी इतने सारे न्यूट्रिएंट मिलके उसके पूरे शरीर का 96% भाग बना है। बचा शेष 4%, तो यह जो 4% शेष है, यही है हमारा मिनरल्स यानी खनिज लवण। यानी पूरे शरीर का देखा जाए, 4% खनिज लवण हमारे शरीर को जरूरत होती है। तो इस प्रकार अगर इसकी उपस्थिति को देखा जाए, खनिज लवणों की, कि हमारे शरीर में उसकी क्या उपस्थिति है, तो ऐसे देखा जाए तो मात्र 4% इसकी उपस्थिति है। लेकिन ये अल्प मात्रा में आवश्यक जरूर है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं, वो सब अपने अपने जगह, उनके अलग अलग रोल हैं, उनके फंक्शन अलग हैं। यानी कोई न्यूट्रिएंट हमें ज़्यादा जरूरत, मतलब ज़्यादा रिक्वायरमेंट है किसी न्यूट्रिएंट की, किसी की कम है, किसी की एवरेज है। तो ऐसे अलग अलग पोषक तत्वों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, व्यक्ति का उम्र, लिंग, शारीरिक अवस्था, ये सारे चीज़ों को देख के सब अलग अलग डिवाइड किया गया है। लेकिन खनिज लवण 4% तक ही हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता है, लेकिन 4% होते हुए भी इसकी इम्पोर्टेंसी बहुत अधिक है। खनिज लवण अकार्बनिक रासायनिक तत्व है। हमारे शरीर में लगभग 24% खनिज लवण विद्यमान रहते हैं। प्राय खनिज लवण स्वतंत्र रूप में कोशिकाओं में रहते हैं, परंतु मानव शरीर को इसकी आवश्यकता 4% तक ही रहती है। यानी मनुष्यों के शरीर में 24% खनिज लवण विद्यमान रहते हैं, ऑलरेडी विद्यमान रहते हैं, लेकिन अतिरिक्त 4% खनिज लवणों की ही जरूरत पड़ती है। और जैसा कि आपको पता है, खनिज लवण एक अकार्बनिक रासायनिक तत्व है, इसलिए इसमें कार्बन की बिल्कुल भी मात्रा, 0% इसकी मात्रा है कार्बन की। इसीलिए जब इसको जलाया जाता है, अगर इसको जलाया जाए, तो इसमें इसको जलाने के बाद सिर्फ राख बच जाती है, क्योंकि ये अकार्बनिक रासायनिक तत्व है। शरीर में अगर खनिज लवणों का वितरण देखा जाए, तो 24% खनिज लवण विद्यमान रहते हैं। और यदि खनिज लवण हमारे शरीर में, ये देखा जाए मुख्य रूप से कितने रूप में विद्यमान रहते हैं, तो मुख्य रूप से यह 3 रूप में विद्यमान रहते हैं। यानी 3 स्वरूप में खनिज लवण विद्यमान है। अब इसमें पहला जो है वो है स्वतंत्र रूप में, जो खनिज लवण है वो स्वतंत्र रूप में विद्यमान रहता है। जो दूसरा खनिज लवण किस रूप में विद्यमान रहता है, तो दूसरा खनिज लवण विद्यमान रहता है यौगिक के रूप में। और तीसरा खनिज लवण विद्यमान रहता है कार्बनिक यौगिक के रूप में। यानी 3 रूप में विद्यमान है खनिज लवण, जिसमें पहला खनिज लवण जो आपको दिखेगा वो स्वतंत्र रूप में विद्यमान दिखेगा, दूसरा यौगिक के रूप में। यौगिक के रूप में इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 खनिज लवण एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो वो यौगिक के रूप में कार्य कर रहे हैं हमारे शरीर में। और यदि सिर्फ 1 खनिज लवण हमारे शरीर में कार्य कर रहा है, जैसा कि अगर कैल्शियम,
कैल्शियम अकेले कार्य कर रहा है तो स्वतंत्र रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन कैल्शियम अगर फास्फोरस के साथ मिलकर कार्य कर रहा है तो वो यौगिक के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा जब जितने मिनरल्स हैं उन मिनरल्स का खनिज लवण का कोई एक भाग किसी दूसरे पोषक तत्वों के साथ मिलकर कार्य करेगा तो वो कार्बनिक यौगिक के रूप में कार्य कर रहा है। जैसे अगर लोहा, लोहा में हीम पाया जाता है, यानी अगर लोहा और प्रोटीन मिलकर कार्य कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, लोहा और प्रोटीन, लोहा यानी हीम और प्रोटीन यानी ग्लोबिन, प्रोटीन यानी ग्लोबिन, लोहा यानी हीम यानी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे कार्बनिक यौगिक के रूप में कार्य कर रहा है क्योंकि प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक तत्व है और इसमें ऑलरेडी एक खनिज लवण लिए गए हैं। यानी अगर खनिज लवण अकेले कार्य कर रहा है तो स्वतंत्र रूप में कार्य करेगा, दो खनिज लवण एक साथ कार्य कर रहे हैं तो यौगिक के रूप में कार्य करेंगे, और एक खनिज लवण प्लस कोई दूसरा पोषक तत्व एक साथ कार्य कर रहा है तो कार्बनिक यौगिक के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। जैसे अगर फास्फोरस और प्रोटीन मिलकर कार्य करेंगे तो वो हो जाएगा फास्फोप्रोटीन। फास्फोरस और लिपिड, लिपिड यानी वसा, फास्फोरस और लिपिड मिलकर कार्य कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे फास्फोलिपिड। इसी प्रकार फास्फोरस और ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का ही एक अंश है, तो फास्फोरस और ग्लूकोज मिलकर कार्य कर रहे हैं, फास्फोरस ग्लूकोज और लिपिड तीन एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं जिसमें फास्फोरस खनिज लवण है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक हिस्सा है और लिपिड यानी वसा। तो ये तीन मिलकर अगर कार्य कर रहे हैं तो ये बन जाएगा फास्फोग्लूकोलिपिड। तो इस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं, जब कई सारे पोषक तत्व तो आपस में मिलकर कार्य कर रहे हैं तो वो अपना रूप भी क्या कर रहा है, परिवर्तित कर दे रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं शरीर में खनिज तत्वों की आवश्यक मात्रा, यानी किस प्रकार से खनिज तत्व हमारे शरीर में उपस्थित है। यहाँ पे आपको प्रतिशत दिख रहा है कितने प्रतिशत में है, यहाँ पे खनिज तत्वों के नाम दिए हुए हैं, ये प्रतिशत है, और एक आंकड़ा निकाला गया है, यानी कोई भी व्यक्ति जिसके शरीर का भार 70 kg है उस हिसाब से ग्राम में मात्रा आपको दिखाया जा रहा है। जैसे कैल्शियम है तो 1.5 से 2.2%, ये प्रतिशत में आपको दिख रहा है। अगर इसको ग्राम में देख रहे हैं कि उस व्यक्ति का बॉडी वेट है 70 kg, तो यहाँ पे 1050 से 1540 ग्राम ये आपको दिख रहा है। इसी प्रकार से आपको फास्फोरस दिख रहा है प्रतिशत में 0.8 से 1.2% फास्फोरस, ग्राम में देखते हैं तो ग्राम में 560 से 840 ग्राम। इसी प्रकार से आपको पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम सबके प्रतिशत आपको प्रतिशत प्लस कितने ग्राम में इसकी आवश्यकता होती है शरीर के भार के हिसाब से, उस हिसाब से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब आते हैं खनिज तत्वों के वर्गीकरण में। तो खनिज तत्वों के वर्गीकरण में आपको दो पार्ट मिल जाएंगे जो कि आपको दिख रहा होगा, जिसमें पहला है मुख्य खनिज तत्व और दूसरा है गौण खनिज तत्व। मुख्य यानी मेजर एलिमेंट्स, जो मेजर मिनरल एलिमेंट्स हैं वो उसको मुख्य खनिज तत्व बोलेंगे, जो कि है 7 प्रकार के। मुख्य यानी जितने मिनरल्स हैं उसमें से इन 7 का जो काम है वो मेन है। तो इसमें देखते हैं मुख्य खनिज तत्वों में आपको दिख रहा है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये मुख्य खनिज तत्व थे। अब है गौण खनिज तत्व, यानी जो मुख्य खनिज तत्व है उसकी आवश्यकता हमारे शरीर में अधिक रहती है, गौण खनिज तत्वों की आवश्यकता कम रहती है, यानी टोटल 4% की ही आवश्यकता है खनिज लवणों की हमारे शरीर में। तो इन 4% में जो हमारे मुख्य खनिज तत्व हैं उनकी आवश्यकता अधिक है और जो गौण खनिज तत्व हैं उनकी आवश्यकता कम है।
वैसे जितने भी पोषक तत्व हैं, जितने भी मिनरल्स प्राप्ति के भोज्य पदार्थ हैं, उसमें हम जब मुख्य खनिज तत्वों का सेवन करेंगे तो किसी न किसी रूप में गौण खनिज तत्व भी उसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर मेन पे फोकस कर रहे हैं तो जो गौण खनिज तत्व हैं वो भी हमें इजीली मिल जाएंगे। इसमें आपको दिख रहा है गौण खनिज तत्व में है लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, सेलेनियम, जिंक, फ्लोरीन, ब्रोमीन, निकेल, आयोडीन, क्रोमियम, कैडमियम, मॉल्डिबेनम, सिलिकन, वेनेडियम, ये है हमारे गौण खनिज तत्व। अब दो पार्ट में आपको दिख रहे हैं मुख्य खनिज तत्व, गौण खनिज तत्व। इनमें आपको सबसे पहले मुख्य खनिज तत्वों में सबसे पहले आपको दिखा है कैल्शियम, सेकंड है फास्फोरस। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कैल्शियम और फास्फोरस एक सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कैल्शियम तब तक अपना कार्य पूरा नहीं कर पाता है जब तक उसके साथ फास्फोरस ना हो। और जितने भी मिनरल्स हैं उन सारे मिनरल्स का कैल्शियम सबसे मेन हिस्सा है, क्योंकि जब आप फंक्शन पढ़ेंगे खनिज लवणों के जो कार्य हैं, खनिज लवणों के जो फंक्शन है, यानी जितने प्रकार के खनिज लवण हैं उन सारे खनिज लवणों को मिला के जो उनके कार्य हैं उनमें सबसे मेन अगर कोई कार्य है, ऐसे तो सबका कार्य अपना अपना अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन सबसे जो मेन कार्य यानी निर्माण निर्माण का जो कार्य है वो कैल्शियम और फास्फोरस ही मिलके कर रहा है। क्योंकि जब एक शिशु अपनी जब शिशु माँ के गर्भ में आता है तो सबसे पहले निर्माण का कार्य ही शुरू होता है, क्योंकि निर्माण जब नहीं होगी तो वृद्धि और विकास कहाँ से होगी। जैसे घर बनाने के लिए सबसे पहले निर्माण करना पड़ता है, और वह निर्माण होता है नींव रख के की जाती है, घर का निर्माण सबसे पहले नींव ही रख के की जा रही है। तो जब तक नींव मजबूत नहीं होगा, नींव रखेंगे नहीं, तब तक छत कहाँ से देंगे। उसी प्रकार से मानव का शरीर भी है, सबसे पहले माँ के गर्भ में एक शिशु का निर्माण हो रहा है। यह निर्माण प्रक्रिया लगभग 2 माह तक चलती है। तो इसमें निर्माण के लिए कैल्शियम, प्रोटीन और फास्फोरस तीन मेन भाग हैं, जिसमें प्रोटीन आपको पढ़ाया गया था तो बताया गया था प्रोटीन से हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं, सेल्स हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, सेल्स को मिला के बनते हैं टिश्यू यानी ऊतक, और ऊतक को मिला के बनते हैं शरीर के विभिन्न अंग, और विभिन्न अंगों को मिला के पूरे शरीर का निर्माण हो रहा है। तो सेल्स प्रोटीन के बने हैं, मांसपेशियां प्रोटीन की बनी है, और जो हमारे शरीर की अस्थियां हैं वो बनी है कैल्शियम और फास्फोरस से। क्योंकि सपोज इमेजिन कर सकते हैं आप, किसी व्यक्ति का शरीर है उसके शरीर में अस्थियां ही ना हो तो मांस का बस एक पुतला रहेगा। कभी कभी होता है किसी किसी के शरीर में जैसे हाथ में या पैर में कोई एक फिंगर एक्स्ट्रा होता है, उस एक्स्ट्रा फिंगर में ज्यादातर हड्डियां नहीं रहती हैं, अस्थियां नहीं रहती हैं, वो एक्स्ट्रा एक बढ़ मतलब एक उंगली बढ़ चुकी रहती है, एक्स्ट्रा रहती है, तो उसमें हड्डियां नहीं रहती है, तो वो उंगली सिर्फ मांस का एक टुकड़ा जैसा लगता है। तो इसी तरह शरीर है, शरीर में जब तक अस्थियां नहीं रहेंगी तब तक सिर्फ मांस का एक पुतला ही रहेगा। ढांचा कौन दे रहा है? ढांचा तैयार कर रहा है कैल्शियम और फास्फोरस। तो ये था मुख्य खनिज लवण और गौण खनिज लवण। अब आते हैं कार्य पे। खनिज लवण प्राप्ति के पहले स्रोत देख लेते हैं, किस किस स्रोत से, कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिससे खनिज लवण प्राप्त किया जा सकता है। जिसमें है सबसे पहले यानी जो मिनरल्स है बेसिकली वेज और नॉन वेज दोनों टाइप के आइटम्स में मिलेंगे, जितने भी फूड आइटम्स हैं वेज और नॉन वेज दोनों में मिलेंगे। लेकिन मुख्य स्रोत इसमें दूध एवं दूध से बने हुए जितने भी भोज्य पदार्थ हैं सारे बहुत अच्छे सोर्स हैं मिनरल्स के। इसके अलावा मछली, अंडे, मांस, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, तिल के बीज, नारियल, सूखे मेवे, गुड़, नमक, अनाज, दालें, ताजे फल, ताजी सब्जियां,
यानी एक तरह से देखा जाए जितने भी फूड आइटम्स हम अपने रोज की जिंदगी में ग्रहण कर रहे हैं, वो वेज के आइटम हो या नॉन वेज के आइटम, दोनों में मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में पाया जा रहा है। और वैसे भी हमारे शरीर में मिनरल्स की बहुत कम आवश्यकता होती है। अब जैसे कैल्शियम है, तो हमारे पूरे शरीर में 4% मिनरल्स की आवश्यकता हो रही है, पूरा मिला के 4%, मुख्य और खनिज दोनों मिला के। लेकिन अगर कैल्शियम की बात की जाए, तो कैल्शियम पूरे खनिज लवण का 2% अकेले ले ले रहा है। यानी कैल्शियम का रोल कितना ज्यादा है। अब जाहिर सी बात है, अस्थियों का निर्माण कर रहा है, एक ढांचा तैयार कर रहा है, स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, तो इसके लिए सबसे अधिक मात्रा में उसकी जरूरत होगी। अस्थियां प्लस दांत, नाखून, ये सारे कैल्शियम के ही बने होते हैं। यानी कैल्शियम अकेले 2% ले ले रहा है, बाकी के 2% में सारे आ जा रहे हैं। आगे देखते हैं, सोर्सेज यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं, वही सारे सोर्स, मांस, मछली, अंडे, यकृत, टमाटर, अनाज, यानी जितने भी फल हैं, ताजे फल, जितनी हरी सब्जियां हैं, पीली सब्जियां हैं, यानी जितने भी तरह की सब्जियां हैं, सब में किसी न किसी रूप में मिनरल्स पाए जा रहे हैं। अब खनिज लवण के हमारे शरीर में क्या लाभ है उसको देख लेते हैं। यानी कार्य कार्य है उसके उसका सेवन हम इसीलिए कर रहे हैं कि उसका क्योंकि उसका हमारे शरीर में कोई ना कोई कार्य है, और वही हमारे लिए लाभदायक है। अब इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा अस्थियों का निर्माण। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे पहले निर्माण प्रक्रिया होती है, उसके बाद ही वृद्धि एवं विकास होता है। तो निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। एक बच्चा जब जन्म लेता है, तो पूरी तरह से उसके शरीर का निर्माण हो चुका रहता है। यानी माँ के गर्भ में 9 महीने वो है, 2 महीने तो निर्माण प्रक्रिया में ही गुजर जाते हैं, उसके बाद वृद्धि एवं विकास हो रही है। तो इन समय में, इन 9 महीने के बाद बच्चा जब जन्म लेता है, तो आप देखते हैं कि उस बच्चे के शरीर का हर एक अंग पूरी तरह से निर्मित हो चुका है, पूरे शरीर का निर्माण हो चुका है, बस दांत नहीं दिखते हैं, जो कि 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद एक दांत, दो दांत करके ऐसे निकलना शुरू होते हैं, प्रारंभ होते हैं। लेकिन निर्माण तो माँ के गर्भ में ही हो जा रहा है, ऐसे में 5-6 महीने बाद दांत बाहर दिखाई देते हैं। वो इसलिए क्योंकि शिशु माँ पे डिपेंड रहता है, शिशु का आहार माता का दूध होता है, तो इसीलिए प्रकृति ने ऐसा निर्मित किया हुआ है। समय के हिसाब से सब कुछ डिसाइडेड है। यानी बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है, उसको जब ऊपरी आहार दिया जाता है, उस समय फिर शिशु के दांत बाहर निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन अस्थियों और जो दांतों का निर्माण है, यहाँ पे आपको दांतों का निर्माण भी दिख रहा होगा, अस्थियों और जो दांतों का निर्माण है वो माँ के गर्भ में ही हो जाता है। यानी बच्चे के दांत बाहर नहीं दिखते हैं, लेकिन वो मसूड़े के जो अंदर है उसमें ही वो निर्मित हो चुके रहते हैं। सही समय आने पर बच्चे के दांत धीरे धीरे बाहर निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन का निर्माण, हीमोग्लोबिन के निर्माण में आपको, जैसे हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, आयरन, आयरन हीमोग्लोबिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आयरन के साथ तांबा भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आयरन और तांबा मिलके हीमोग्लोबिन का निर्माण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हीमोग्लोबिन में कुछ मात्रा में कोबाल्ट भी उपस्थित रहता है, और तांबे की उपस्थिति में जो RBC है, हमारे शरीर में जो 2 तरह के रक्त होते हैं, RBC और WBC, RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, तो RBC में जो चमक है, जो लालिमा है, वो तांबे के कारण ही होता है। इसके अलावा हार्मोन्स के निर्माण में, तो हमारे शरीर में जो थायरोक्सिन हार्मोन है, उसके निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है, और आयोडीन की कमी से हमारे गले में घेंघा नामक रोग हो जाता है, जिससे गले में गांठें बन जाती हैं। यानी एक तरह से हार्मोन्स के निर्माण में भी खनिज लवण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, कोशिका की वृद्धि में सहायक, कोशिका यानी सेल्स। अभी मैंने आपको बताया कि कोशिकाओं में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन शरीर का एक तरह से निर्माण कर रहे हैं।
तो कोशिकाओं में सेल्स है और सेल्स में कुछ मात्रा में मिनरल्स भी पाए जाते हैं। सेल्स में नहीं, प्रोटीन में कुछ मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि कोशिका की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसके अलावा हृदय की गति का संतुलन यानी हार्ट बीट को बैलेंस करने में हेल्पफुल होता है मिनरल्स। रक्त का थक्का जमना, मिनरल्स के द्वारा हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का जम रहा है उसके लिए भी ये इसका कार्य निर्धारित है। एंजाइम की सक्रियता में सहायक, शारीरिक वृद्धि एवं विकास यानी निर्माण के बाद शारीरिक वृद्धि एवं विकास की आवश्यकता होती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस के द्वारा निर्माण प्रक्रिया हो रही है और इन्हीं तीन के द्वारा कहीं ना कहीं वृद्धि भी हो रही है, वृद्धि एवं विकास। क्योंकि जैसे जैसे एक बच्चा जब जन्म ले रहा है, जन्म के बाद जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे उसके शरीर का ढांचा भी बदल रहा है। अब शरीर का ढांचा बदल रहा है, सिर्फ मांसपेशियां तो चेंज नहीं हो रही हैं, मांसपेशियों के साथ उसकी अस्थियां भी चेंज हो रही हैं, उसके नाखून यानी उसके शरीर के प्रत्येक अंग चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे में मिनरल्स की आवश्यकता होती है शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए। और शरीर के जो भी इंटरनल पार्ट्स हैं उसका संचालन, नियमन और नियंत्रण के लिए भी मिनरल्स बहुत ही आवश्यक होता है। अब जैसे यहाँ पे आपको अगला कार्य दिख रहा है, मांसपेशियों के संकुचन पर नियंत्रण, कार्बोज के चयापचय में सहायक, अम्ल क्षार संतुलन को नियंत्रित करना, शिशु के मानसिक विकास में सहायक, आरबीसी, अभी मैंने आपको बताया आरबीसी की जो आरबीसी में जो लालिमा होती है, जो चमक होता है, उसमें तांबा कुछ रूप में कार्य करता है। तो आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कर रहा है, घाव भरने में सहायक। ये था मिनरल्स के कार्य यानी खनिज लवणों के ये मुख्य कार्य थे। मुख्य और गौण दो प्रकार के खनिज लवण आपको बताए गए हैं और दोनों के कार्य एक साथ आपको बता दिए गए हैं, यानी जितने भी मिनरल्स हैं सबके अलग अलग कार्य हैं, प्राप्ति के स्रोत और ये हमारे शरीर में किस रूप में विद्यमान है। तो मिनरल्स यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।